अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिंगल कुकिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं ला रही हूँ आप लोगों के लिए कढ़ी पकौड़ा। और ये कढ़ी पकौड़ा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कढ़ी पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप दही। दही फ्रेश है। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप बेसन। बेसन को मैंने छान लिया है। यहाँ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून धनिया पत्ते के लिए हैं। कढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा देते हैं। और कढ़ी में मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। और ड्राई मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया जीरे का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी। और यहाँ पर जो है कढ़ी को तड़का देने के लिए मैंने 4 से 5 लहसुन के जवे को छोटा छोटा चॉप कर लिया है। गोल वाली लाल मिर्च है साबुत। 6 से 7 मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते लिए हैं। 1/4 टीस्पून राई दाना है। 1/4 टीस्पून जीरा है। ये हम तड़का देने के लिए यूज़ करेंगे। और अब इन चीज़ों को जो है मैं ग्राइंड कर लूँ। ग्राइंडर में सबसे पहले मैं दही डालूँगी। पानी डाला है इन चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो चलें अब फटाफट से कढ़ी बनाना शुरू करते हैं और फिर बाद में पकौड़े बनाएंगे। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी राई। राई हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं डालूंगी जीरा और जीरा को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी, क्रैकल होने दूंगी इसे। जीरा जैसे ही फ्राई होगा इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकलेगी। हमारी क्रैकल हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो लहसुन मैंने चॉप करके रखा था। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही अच्छी सी इसकी रोस्टेड लहसुन की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छे से आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी ये गोल साबुत मिर्च और 6 से 7 कड़ी पत्ते। फिर मैं डालूंगी इसमें जो हमने ये मिक्सचर ग्राइंड किया था दही और बेसन का। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये मिक्सचर डाल देती हूँ। ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मैं डालूँगी 3/4 ग्लास पानी का। कढ़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। गोल्डन लहसुन हो जाते हैं तो कढ़ी और दाल बहुत बहुत टेस्टी बन जाती है। इसलिए मैं तो लहसुन को बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई करके फिर ही मसाले डालती हूँ ताकि इसका बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाए हमारे तेल में। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी। हो गए हैं और कढ़ी जो है अच्छे से कुक हो गई है। इसमें बॉइल्स भी आ गए हैं और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है जैसी मुझे चाहिए थी। तो 7 से 8 मिनट पकाने के बाद अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी क्योंकि कढ़ी जो है वो पक गई है और कढ़ी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं बनाऊंगी पकौड़े। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है।
कड़ी पकोड़ा बन चुके हैं और साथ ही में मैंने चावल भी बनाए हैं। ये प्लेन राइस नहीं है, मैंने इसे मसूर की दाल भी डाली है और साथ में मैंने आलू की कतलियां भी बनाई है। ये एज ए साइड डिश बहुत अच्छे लगते हैं, आलू दाल में और कड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जल्द आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।